गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज विशाखा। बड़ी देर से प्यार की बातें चल रही है तो सोचा शुरुआत हम प्यार से ही करें। ये पहली नज़र का प्यार था कि नहीं करेंगे हम कभी किसी से मोहब्बत, हम ये इरादा बना बैठे कि नहीं करेंगे हम कभी किसी से मोहब्बत, ये इरादा बना बैठे। निकले घर से बाहर तो एक मुसाफिर से नजरें मिला बैठे, निकले घर से बाहर तो एक मुसाफिर से नजरें मिला बैठे। हम बिना पिए ही मदहोशी का नशा कर बैठे उसकी आंखों से, सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा, सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा। वो आए तो थे हमसे अपनी मंजिल का रास्ता पूछने और हम बेवकूफ उसे मोहब्बत समझ बैठे। अब तीन शब्दों में आपको कुछ समझाना चाहूंगी। सजावट, बनावट, दिखावट, इन्हीं की कारण आई है लोगों में समझदारी की गिरावट। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। एक ये मेरा मैंने 2023 में लिखा था आफ्टर साक्षी के केस के बाद। बताइएगा शब्दों को नहीं भावना को समझिएगा और बताइएगा। वैसे तो हम लड़कियों को चांद सा कहा जाता है, लेकिन हमें हमारा जीना इस दुनिया में तारों के गिनने के जितना मुश्किल कर दिया जाता है। हम लड़कियां हाँ भी बोलें जब भी गलत, ना भी बोलें तब भी गलत, कुछ ना बोलें तब हमारी किस्मत। श्रद्धा ने अपने प्यार को हाँ किया तो उसे काटकर फ्रिज में सजा दिया। साक्षी ने मना किया तो उसे चाकू से मारकर सड़क पर सजा दिया। और लड़की ने कुछ ना कहकर अपने माता पिता की मर्जी से शादी कर ली। और जब ससुराल वालों ने उसे पंखे से लटका दिया तब इन समाज वालों ने और घर वालों ने उसे लड़की की किस्मत बता दिया। शर्म ना आई किसी को, बुराई दी हमी को। वैसे तो सब सड़कों पर कैंडल्स जलाते हैं, हम लड़कियों के लिए लड़ाई करके दिखाते हैं, लेकिन अपने सामने हो रहे अत्याचार को रोक नहीं पाते हैं, उस लड़की को नहीं बचाते हैं, बाद में उसे झूठा शोक दिखाते हैं, इंस्टाग्राम का ट्रेंड बनाते हैं, लास्ट में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर जस्टिस फॉर हर लिखकर चले जाते हैं। जस्टिस फॉर हर। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।